हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बिहेवियरल पार्ट का एक एक्सपेरिमेंट कराऊंगी, जो कि आपके थ्योरी के थर्ड पेपर, जो कि एप्लाइड जियोलॉजी, इथोलॉजी और बायोस्टेट्स वाला पेपर है, उसका जो सेकंड पार्ट है इथोलॉजी, उसके अंतर्गत आता है। इस एक्सपेरिमेंट को फाइल में इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको एक नई फाइल बनानी होगी, जिस तरह की फाइल केमिस्ट्री की फाइल होती है उस तरह की आपको बनानी होगी, जिसमें कि आप बिहेवियर के एक्सपेरिमेंट्स कर सकें और बायोस्टेट्स के एक्सपेरिमेंट्स आपको उस फाइल के अंदर करने होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को फाइल इसके लिए लेनी होगी। नाउ अब मैं आप लोगों को समझा रही हूँ एक्सपेरिमेंट। तिल चट्टे में श्रृंगिका प्रसाधन, एंटीनल ग्रूमिंग इन कॉकरोच। कॉकरोच के बारे में सब लोगों ने कॉकरोच को देखा हुआ है, सभी के घरों में लगभग कॉकरोच मिल जाता है। नॉक्टुरल एनिमल है, जो दरारों में घुस करके रहता है दिन में, और रात्रि में फूड लेने के लिए वो सक्रिय हो जाता है। कॉकरोच शाकाहारी, मांसाहारी और किसी भी चीज़ का सेवन आसानी से कर सकता है। ओमनिवोरस एनिमल है। तो कॉकरोच के ऊपर आप लोगों ने श्रृंगिकाएं भी लगी हुई देखी होंगी। श्रृंगिकाएं भी एक जोड़ी तंत्र समान संरचनाएं होती हैं, जो कि शीघ्र के एंटीरियर पर ही श्रृंगिका गर्तिका से जुड़ी हुई रहती हैं। प्रत्येक श्रृंगिका की रचना तीन भागों में रहती है, फर्स्ट स्कैल्प, दूसरा पेडिसिल और तीसरा फ्लैजिलम। जो श्रृंगिका का बेसल रीजन है वो स्कैल्प कहलाता है, जिसके द्वारा श्रृंगिका सिर से जुड़ी हुई होती है, और श्रृंगिका का मध्य भाग पेडिसिल कहलाता है, यह सवृंत से छोटा होता है, और तीसरा भाग जो है तंतु के समान लंबा होता है, जिसे कि हम फ्लैजिलम कहते हैं, और ये फ्लैजिलम अनेक खंडों से मिलकर के बना हुआ होता है। इसके सेगमेंट्स पर सेंसिटिव सीटीज पाई जाती हैं। श्रृंगिकाएं स्पर्श ग्राही होती हैं और गंध ग्राही होती हैं, इस वजह से हम तिलचट्टे के श्रृंगिका प्रसाधन के लिए काम में लेते हैं। नाउ क्या क्या सामग्री आप लोगों को इसके लिए चाहिए होगी? तो सबसे पहले आपको कॉकरोच चाहिए होगा, एक ड्राइंग वाली ब्रश आपको चाहिए होगी, वैसलीन की जरूरत होगी, क्लोरोफॉर्म या एल्कोहल की आपको जरूरत होगी, और एक बड़ा कांच का पात्र जो होता है उसके लिए जरूरत होगी। तो सबसे पहले फिर आपको एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे पहले आप एक कॉकरोच को पकड़ लेंगे, जीवित कॉकरोच को, और उसके पंख काट देंगे या फिर उनके ऊपर वैसलीन का लेप लगा करके उसको निष्क्रिय या अक्रिय कर देंगे। फिर वैक्सलीन लगाने के बाद मैं तिलचट्टे को कांच के एक बड़े ट्रफ के अंदर छोड़ देंगे। कांच का ट्रफ हम इसलिए ले रहे हैं जिससे कि हम उसकी एक्टिविटीज़ को आसानी से ढकने के बाद में भी देख सकें। अब ब्रश जो हमने लिया है उसको क्लोरोफॉर्म या एल्कोहल में डुबोकर जंतु या कॉकरोच की श्रृंगिका पर लगा देंगे, और फिर पात्र को ढककर रख देंगे, और फिर उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो हम देखेंगे कि जो तिल चट्टा है पहले अपनी जो एंटीना होती है, श्रृंगिका होती है, तथा मुखांग से उसे साफ करता है। फिर धीरे धीरे श्रृंगिका का लूप जो है बड़ा होता चला जाता है, और अंततः श्रृंगिका फ्री हो जाती है। इसमें निम्न स्टेप्स जो हैं, इसमें ये कुछ स्टेप्स आसानी से देखे जा सकते हैं कि श्रृंगिका का सबसे पहले नीचे की ओर फ्लेक्शन होना। दूसरा जो पॉइंट इसके अंदर आता है वो है कॉकरोच सिर को नीचे की कॉकरोच का सिर को नीचे की ओर झुकाना। तीसरा है कॉकरोच उद्दीपन की दिशा में दूर सिर घुमाता है। फिर जंतु विपरीत दिशा की अग्र टांग की टीबिया व टार्सस के कोण से श्रृंगिका को पकड़कर मुखांगों में रखता है। फाइनली
टांगों को सामान्यतः खड़े रहने की स्थिति में ले आता है और अंततः जंतु माउथ पार्ट्स की सहायता से और माउथ पार्ट्स की सतत गति से श्रृंगिका को आगे खिसका कर ले जाता है और वह लास्ट में अपने जो एंटीना है उसको पूरी तरह से साफ कर लेता है। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को 6 पॉइंट्स जो बताए हैं ये आप लोगों को ऑब्जर्वेशन के अंदर लिखने हैं। नाउ रिजल्ट आपको क्या लिखना है, रिजल्ट में आपको लिखना है कि जो कॉकरोच है वो अपना श्रृंगिका प्रसाधन नियत क्रिया प्रतिमान के अंतर्गत करता है। तो फाइल में जो आपको काम करना है वो करना है, सबसे पहले आपको उद्देश्य लिखना है, फिर मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना है, फिर प्रोसीजर लिखना है आप लोगों को, फिर ऑब्जर्वेशन लिखना है आपको, और फिर फाइनली आप लोगों को इसका रिजल्ट या परिणाम लिखना है और डायग्राम भी आपको बनाने हैं जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद।